फार्म गूवर्स, मैं हूं करतलान और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। होपफुली व्यूवर्स आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आ गई हूँ अगेन रुडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में। आप कह रहे होंगे कि मैडम को रुडन से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है, तो जी हाँ, क्योंकि रुडन में कुछ इस टाइम पर जो रियल स्टेट के हालात चल रहे हैं और जो चीज़ें चल रही हैं, तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ चुप करके बैठी हैं, लेकिन रुडन में हलचल काफ़ी सारी चीज़ों की चल रही है। तो हमें भी चाहिए होती है एक अच्छी सी न्यूज़ और अपने व्यूवर्स के लिए एक मज़ेदार चीज़ें जो कि इस सोसाइटी के अंदर हो रही हों। तो हम आज आ चुके हैं अगेन रुडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पे होने जा रही है जी बैलेटिंग। तो बैलेटिंग होने जा रही है, तो लोग काफ़ी सारे कह रहे थे मैडम डेवलपमेंट हो नहीं रही वहाँ पे, कहाँ पे ये लोग प्लॉट देंगे, आप बस बातें करी जा रही हैं। तो मैंने कहा साइट पर जाते देखते कि बैलेटिंग की क्या तैयारियाँ हैं, ताकि आपको बताऊँ। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इंस्टॉलमेंट जमा करवा के अपनी बैलेटिंग में अपनी शामिल हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि आज चलते हैं ऑन ग्राउंड, देखते हैं, मैं भी देख लूं कल को, मैं भी बड़ी तारीफ़ें कर रही हूं कल को, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझ पे ही तनकीद करनी है। तो अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो व्यूअर्स, मैंने कहा कि हम बेल्टिंग वाली लोकेशन तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ पे 1 मंथ पहले मैंने तकरीबन पोस्ट की थी वीडियो डेवलपमेंट की, और इस टाइम 1 मंथ के अंदर इन्होंने क्या यहाँ पे डेवलपमेंट स्पीड किया है उसको भी चेक करूँगी आज। और मैंने कहा था जैसे कि अपनी वीडियो में कि हर मंथ में जाके चेक करेंगे कि रुडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट स्पीड क्या है। तो आज आई हूँ और काफ़ी सारी आपको चीज़ें ये भी दिखाती हूँ कि डेवलपमेंट में इन्होंने कितनी स्पीड लगाई हुई है, और साथ साथ जाते हैं बेल्टिंग एरिया विजिट करते हैं और देखते हैं कि वाकई बेल्टिंग की तैयारियाँ हैं या यहाँ पर भी वो जिस तरह से रूमर्स आ रहे थे NOC डेवलपमेंट न्यू एंट्री और काफ़ी सारी चीज़ें, तो वही हैं या वाकई कुछ फाइनली होने जा रहा है। तो चले मेरे साथ रहिएगा। सो व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको बैलेटिंग वाली लोकेशन तो दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या ज़ोरों शोरों से इनकी तैयारियाँ जारी हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि 1 मंथ पहले जब मैं आई थी, तो हॉर्टिकल्चर जो ग्रीनरी वर्क में हमेशा कहती हूँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वो मायने रखता है, तो इसके ऊपर इनका क्या फोकस है। तो यहाँ पे क्या चेंज आया 1 मंथ के अंदर कि ये हॉर्टिकल्चर वर्क जो दरख्त वगैरह इन्होंने साइड पे रखे हुए थे कि भाई लगाएंगे, लेकिन अभी 1 मंथ के अंदर काफ़ी सारी सोसाइटी में मेन बुलेवर्ड को काफ़ी कंप्लीट कर दिया, ग्रीनरी यहाँ पे मेंटेन कर दी है, डिप्लॉयमेंट वगैरह कर दी है, तो ये काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है और सोसाइटी में अब फील आता है भाई कि अब सोसाइटी बनने जा रही है। जो लोग कहते हैं कि रुडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उनके लिए मैंने कहा था कि मैं हर महीने जाऊंगी और स्पीड भी इनकी स्पीड भी तेज़ करवाऊंगी और आपको अपने प्रॉपर्टी एक्सपो एक एज अ अनबाइज्ड व्लॉगिंग करके आपको डेवलपमेंट वगैरह से आगाह करूंगी। व्यूअर्स, साथ साथ मैं आपको न्यूज़ तो दे रही हूं जो डेवलपमेंट अपडेट की, तो लेकिन यहां पे हम आए थे आज देखने के लिए कि ये जो बैलेटिंग के रूमर्स आ रहे हैं कि बैलेटिंग होने जा रही है और आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं और आपके पास ये लास्ट चांस है, तो उसके लिए वाकई सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट एरिया है ऐसी जहाँ पे ये बैलेटिंग वगैरह करेंगे जो कि मैप के ऊपर आ रहा हो। तो ये सारी लैंड है जो रुडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी ने मुझे बताया कि ये तमाम की तमाम लैंड जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है यहाँ पे बैलेटिंग हो रही है, और 15 तारीख लास्ट यहाँ पे इनकी डेट है, जो कि ये मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि जो लोग बैलेटिंग रुडन इनक्लेव में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं, तो वो लोगों के पास ये लास्ट चांस है 15 तारीख तक अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, और इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे हैं, वाउचर्स वगैरह आप इनके अथोराइज एजेंट से पिक कर सकते हैं और वहाँ से आप लेके अच्छा डिस्काउंट इंस्टॉलमेंट में हासिल करके तो बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। बैलेटिंग का इवेंट भी इसी मंथ के एंड में होगा और उससे भी आपको अपडेट करेंगे कि किन लोगों के प्लॉट निकलें। आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ना जाएँ, देखें जब सोसाइटी काम कर रही है, पहले आप हम लोगों को यही था कि सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर रही, अब डेवलपमेंट भी कर रही है, बैलेटिंग भी कर रही है, डिलीवरी भी दे रही है, और सबसे मज़े की बात यहाँ पे आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मेरी अंदर की एक अच्छी खबर आपको सुनाने जा रही हूँ कि बहुत जल्दी लीगली भी रुडन इनक्लेव बड़ी अच्छी आपको न्यूज़ सुनाने वाला है, तो वो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी एक्सपो सबसे पहले आपके साथ रिवेल करेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश भी हूँ और इस सोसाइटी पर मैं ज़्यादा फोकस भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये एरिया देखिए डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, ग्रीनरी को भी मेनटेन किया जा रहा है और सीवरेज का काम भी किया जा रहा है ताकि बैलेटिंग करें, और उसके बाद ये लोग चाह रहे हैं कि बैलेटिंग के साथ साथ जो इससे कि इनके हेड ऑफिस से न्यूज़ आती हैं कि 2023 और 24 जो है डिलीवरी का और डेवलपमेंट का साल होगा, तो वाकई अब नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं डे फर्स्ट से आ रही हूँ, अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें और आज की वीडियो देखें तो मुझे तो भाई लगता है कि भाई अब सोसाइटी का खासा मूड हो गया है भाई कि काम करने का। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पर जो मिडिल क्लास ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद में इतनी प्रॉपर्टीज़ महंगी हो गई हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारी अब पहुँच नहीं है बाय करने की, तो रावलपिंडी वाले जो लोग हैं ख़ास तौर पे मिडिल क्लास लोग, उनके लिए ये सोसाइटी इस टाइम पे एक अच्छी चीज़ है। फ्यूचर में थोड़ी सी लॉन्ग है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो कि पोजेशंस मिलेंगी, डेवलपमेंट होगी
और यहाँ पे करंट पॉपुलेशन आना, उसको थोड़ा सा टाइम है, लेकिन डेफिनेटली ये अब फेस है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। जो जब पहले मैं आई थी तब मैंने देखा था, उस टाइम पे डेफिनेटली मैं भी डाउटेड थी क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क वगैरह चीज़ें नहीं हो रही थी। तो उस टाइम की सिचुएशन को अभी इसके साथ कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली ये एक मिडिल क्लास के लिए बेस्ट ऑप्शन है, मैं ये कहूँगी। सो व्यूअर्स, राइट नाउ अब मैं आ चुकी हूँ जो पार्क बन रहा था, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि पार्क में गज़ीबो जॉगिंग ट्रैक वगैरह रेडी है, लेकिन ग्रीनरी वर्क नहीं है। तो यहाँ पे रोड्स के ऊपर हर तरफ यहाँ पे ग्रीनरी को मेंटेन किया जा रहा है, काफ़ी सारी मैंने कहा आपको दिखाऊं। और उसके साथ जो है यहाँ पे जो ग्रास वर्क था जो पार्क के अंदर वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। अभी तो इन्होंने क्लोज किया हुआ है, लेकिन ये कि आपको मैं ड्रोन में इनसे हटवा के हमने ड्रोन शॉट्स लिए हैं ताकि हम आपको दिखाएं जो रूडन इनक्लेव के पार्क में भी ग्रीनरी आ चुकी है। सोसाइटी में मैं कहती हूँ मुझे सबसे अच्छी जो लगती है ग्रीनरी लगती है, और ग्रीनरी के बाद बंदे को लगता है कि यार ये वाकई किसी प्रोजेक्ट में हम आएँ, रोड्स कंडीशन देखें, तो ये चीज़ों से बड़ी वो ना दिल को खुशी होती है कि लगता है अब कुछ होने जा रहा है। तो मुझे भी अब ज़रा ना यहाँ पर खड़े होकर पता लग रहा है ओवरऑल सोसाइटी में ग्रीनरी वगैरह मेनटेन हो रही है, चीज़ें वगैरह हो रही हैं। और सबसे मज़े की बात है कि बहुत जल्द ये लोग यहाँ पे अपना जो साइट ऑफिस, मैंने आपको लास्ट टाइम विजिट करवाया था, मेरी बैकग्राउंड भी नज़र भी आ रहा होगा, इसको यहाँ पे साइट ऑफिस को ऑपरेशनल करने जा रहे हैं, इसका भी इनॉग्रल होगा। और रूडन इनक्लेव की अपनी जो टीम है यहाँ पे बैठी होगी साइट ऑफिस में। तो ये एक और मज़ीद मैंने कहा न्यूज़ थी जो कि लोग आना चाहते हैं, साइट को विज़िट करना चाहते हैं, तो उनको इंटरटेन करने के लिए यहाँ पर ये लोग खुद मौजूद होंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पर एक और न्यूज़ है, जैसे कि मोस्टली सोसाइटीज़ में कॉफ़ी शॉप्स ओपन हो रही हैं, तो रूडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में भी एक काफ़ी सारे हमारे ब्रांड्स हैं, जिनमें से अभी नेम तो इन्होंने रिवील नहीं किया, लेकिन लोकेशन मैं बता रही हूँ। मेन एंट्रेंस से जब आप आते हैं तो सर्विस रोड के ऊपर ये मस्जिद के सामने जो कि लेफ़्ट साइड के ऊपर कॉफ़ी शॉप के लिए जो है रेडी किया जा रही है लोकेशन, और यहाँ पे कोई अच्छा कॉफ़ी का इंटरनेशनल ब्रांड जो है आएगा, और रूडन इनक्लेव में भी आप कॉफ़ी पी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुरुतलैंड की तरफ से। सो व्यूअर्स, ये थी आज की रूडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी की मज़ीद डेवलपमेंट अपडेट वीडियो, और इसके अलावा जो बैलेटिंग वगैरह सिनेरियो चल रहा था उसके बारे में भी मैंने आपको गाइड किया है। और मैं यही कहूँगी कि जो लोग फाइनली रूडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में जिन्होंने लॉन्ग टाइम और एक घर बनाने की उस पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो इस टाइम पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक वालों के लिए कि वो बैलेटिंग में शामिल हों और अपना प्लॉट हासिल करें। क्योंकि जब फाइल से निकल के आपका जो है प्लॉट की मदद में शिफ्ट होता है तो उसकी जो वर्थ और उसके अंदर जो रिटर्न्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और फाइल की आपको पता है एक जस्ट एग्रीमेंट होता है और उसके अलावा इसकी कोई वर्थ नहीं होती। लेकिन प्लॉट आपका ऑन ग्राउंड, आपको पता होगा कि रूडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में कौन सा ज़मीन का टुकड़ा आपका है, तो फाइनली ये आपके पास चांस है। जो लोग फाइनली रूडन इनक्लेव के अंदर घर बनाना चाहते हैं या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो इस टाइम पे रूडन इनक्लेव की बैल्टिंग में ज़रूर शामिल हों। आज की ये वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह जो बैल्टिंग का इवेंट होगा वहाँ से आपको अपडेट करेंगे कि जिन लोगों ने प्लॉट लिए हैं, और फिर मैं बताऊँगी कि भाई किस किस का प्लॉट आया है, वहाँ पर हम उनसे बात भी करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ से अपडेट करूँगी। तो आज की वीडियो यहाँ पर करते हैं एंड, और कुर्ता लाइन को दें इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।